कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज का ये एपिसोड देखने के लिए और आज मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो काशी विश्वनाथ मंदिर को डायरेक्टली गंगा मैया से कनेक्ट करता है, उस कॉरिडोर का हाल में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उद्घाटन किया। काशी विश्वनाथ एक बहुत ही खास जगह है हिंदू कल्चर के लिए, क्योंकि इस तीर्थ की स्थापना आदि शंकराचार्य ने खुद की थी और इसलिए बाबा भोलेनाथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर होने के साथ साथ ये हिंदुओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ भी माना जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये कॉरिडोर जो है, ये गंगा मैया के घाट को डायरेक्टली काशी विश्वनाथ मंदिर से कनेक्ट करेगा और ये डेवलपमेंट काफी समय से होनी थी, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस के जिस एरिया में है वो पहले बहुत ही कंजेस्टेड हुआ करता था और काशी विश्वनाथ मंदिर को देखने के लिए दसियों हजार बाबा भोलेनाथ के भक्त आते थे। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को क्रिएट करने का सबसे बड़ा गोल ये था कि इस जगह पर और थोड़ी स्पेस बनाया जाए ताकि कई सारे बाबा भोलेनाथ के भक्त बड़े आराम से यहाँ पर जुट सके, गंदगी को हटाया जाए, क्लेनलीनेस पर फोकस किया जाए, सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है भक्तों की उस पर फोकस किया जाए। और काशी विश्वनाथ मंदिर का कोई भी डिस्कशन तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हम अपना सादर प्रणाम रानी अहिल्याबाई होलकर को नहीं देते, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज ये मंदिर मौजूद है। रानी अहिल्याबाई होलकर ने ही घुसपैठियों के इस मंदिर को तोड़े जाने के बाद इस मंदिर को दोबारा बनवाया था। ये मंदिर और बनारस का शहर भारत को और भारत के धर्म को परफेक्ट तरीके से दर्शाता है। कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े। लेकिन आपने इस वीडियो का थंबनेल भी देखा है, टाइटल भी देखा है, आप जानते ही हैं कि ये वीडियो किस बारे में है। तो आइए इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से रिलेटेड कुछ मेल्टडाउन्स को देखते हैं। भैया, मोदी जी ने औरंगजेब के बारे में एक लाइन बोल क्या दी, बीबीसी इंडिया को तुरंत निकलकर आना पड़ा और एक लंबा आर्टिकल लिखना पड़ा कि भैया नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, औरंगजेब जी बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े शरीफ आदमी थे। बहुत ही आराना लगता है। अबे ये औरंगजेब तुम्हारा साला लगता है, तुम्हारे मामा का बेटा लगता है, हैं बॉयफ्रेंड लगता है तुम्हारा। कसम से, किसी के लिए इतना प्यार मैंने लास्ट टाइम जीत मूवी में ही देखा था। तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया, लाशें बिछा दूंगा लाशें। भैया, जितना आपको औरंगजेब से प्यार है उतना आपको अगर सच्चाई से भी प्यार होता तो आज दुनिया भर में आप पेले नहीं जा रहे होते। लेकिन इस पूरे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का सबसे बड़ा एक्सपोजर किया है हमारे दुग्गल साहब ने। देखिए, दुग्गल साहब ने हमें बताया कि मोदी जी का इलेक्शन का सबसे बड़ा नारा क्या था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और देखिए दुग्गल साहब ने मोदी जी को कैसे एक्सपोज किया इस फोटो में, कि देखिए मोदी जी ना ही सिर्फ खा रहे हैं बल्कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो लेबरर्स ने काम किया है उनको बैठ के खिला भी रहे हैं। अपने कैंपेन का मोदी जी ने सबसे बड़ा प्रॉमिस तोड़ दिया है यार, शर्म आनी चाहिए, है लानत है, धिक्कार है हम पर। लिपस्टिक मॉडल अभिसार शर्मा भी बहुत नाराज थे। इस वीडियो में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्घ दे रहे हैं, भगवान के प्रति अपनी आस्था जतला रहे हैं, इस वीडियो में मुझे बताइए ना, भगवान कहां है? यहां तो दर्जनों कैमरों के जरिए सिर्फ एक शख्स को दिखाया जा रहा है जिनका नाम है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अरे चचा, जो वीडियो देखकर सवाल पूछ रहे हो उस वीडियो में ही जवाब है भाई। ये जो अर्घ दिया जा रहा है ये सूर्य देव के लिए दिया जा रहा है, गंगा मैया में डुबकी लगा रही है, दो भगवान तो यही मौजूद है। उसके ऊपर से कुछ समय के बाद ही कई वीडियो निकल कर आए थे जिसमें दिखाया गया था कि काशी विश्वनाथ का जो शिवलिंग है उसकी नरेंद्र मोदी पूजा कर रहे हैं। अब आपको अगर हिंदू धर्म नहीं समझ में आता है तो ये भी मोदी जी की गलती है क्या? लेकिन क्या करें भैया, देखिए बहुत ज्यादा नाराज मत होइए, पिछले दो दिन से अभिसार जी बहुत
बहुत शौक में चल रहे हैं। रस्ते जान जा रही है, तेरा मुझसे मिलना पाना मेरी रूह आ रही है। रब ना करे किसी को मौत आए ऐसी, जिस कदर जाना तेरी याद आ रही। इस तरह से जब शौक लगता है बॉडी को, गलतियां हो जाती है, लोग भावुक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग अपना आपा खो देते हैं, क्या करें। प्लीज अभी कमेंट सेक्शन में जरा गेट वेल सून अभिसार लिख दीजिए। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने धर्म और राजनीति को इतनी बखूबी पिरोया नहीं होगा जैसा नरेंद्र मोदी ने किया है। एक थे नेहरू, जिनका मानना था कि नेताओं का काम ही नहीं है मंदिरों का उद्घाटन करना। अरे बताए, बिल्कुल सही कहा भाई साहब ने। भाई गवर्नमेंट का काम कोई मंदिर का उद्घाटन करना थोड़ी है, गवर्नमेंट का काम है इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करना। इसीलिए तो उस समय कभी भी आकाश बाबू को प्रॉब्लम नहीं हुई। गवर्नमेंट का काम है क्रिसमस ऑर्गेनाइज करना स्कूल्स में, इसीलिए तो उस समय आकाश बाबू को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। गवर्नमेंट का काम है देश के कोने कोने में हज भवन बनवाना, इसीलिए तो उस समय आकाश बाबू को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस यार मंदिरों का उद्घाटन मत किया करो यार। क्यों नहीं? क्योंकि सिर्फ उसी समय आकाश बाबू के पिछवाड़े में बवासीर एक आम समस्या है। आप देखिए कि आकाश बाबू इतने सेक्युलर हैं कि सिर्फ उनका दिल ही नहीं, उनकी गांव भी सेक्युलर है। इनके पिछवाड़े में भी सिर्फ हिंदू त्योहारों और मंदिरों को देखकर आग लगती है। बताइए, ऐसा होना चाहिए सेक्युलर आदमी कि उनका सिर्फ भैया दिमाग ही नहीं, उनका साला गुर्दा, फेफड़ा, उनका पिछवाड़ा, हर चीज, हर एक ऑर्गन सेक्युलर है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष, महापुरुष। आरफा मैडम ने फिर से ट्वीट किया और कहा कि भाई जिस तरह का लीडर बार बार आपको अतीत में ले जाना चाहता है, अतीत को याद रखना चाहता है, उस तरह का आदमी कभी भी आपको फ्यूचर में नहीं ले जा पाएगा। अच्छा जी, आप याद करें तो खंडाला, हम याद करें तो झिंगा लाला। कसम से यार, वर्ल्ड कप में जिस तरह से गोल्डन बूट दिया जाता है ना सबसे ज्यादा गोल मारने के लिए, उसी तरह से आरफा मैडम को तांबा बूट देना चाहिए सबसे ज्यादा सेल्फ गोल मारने के लिए। सागरिका घोष जी ने ट्वीट किया कि महात्मा गांधी जी का नाम ले लेके ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, लेकिन क्या कभी महात्मा गांधी जी ने काशी विश्वनाथ की बात भी की है? देखिए मैडम, ऐसा है, हमको तो कुछ पता वाता नहीं है, हम तो साले इंटरनेट ट्रोल है, लेकिन ये गांधी जी की एक किताब है माई लाइफ इज माई मैसेज, उसमें इन्होंने खुद लिखा है कि 1916 में जब वो काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे तो देख के उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए कितना इम्पोर्टेंट मंदिर है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर इतनी गंदगी है, कोई साफ सफाई नहीं है, इतना कंजेस्टेड एरिया हो रखा है वो। और उन्होंने उस समय सोचा कि हम अपने कल्चर में, अपने रिलीजन में प्राउड कैसे महसूस कर सकते हैं अगर हमारे इतने इम्पोर्टेंट मंदिर का इतना बुरा हाल हो रखा है। मैडम जी, ऐसा है, आपको बेइज्जती करवाने के पैसे मिलते हैं? 500 रुपए पर बेइज्जती मिलती है आपको? कसम से यार, इनको अगर बेइज्जती करवाने के पैसे मिल रहे होते ना तो आज ये जेफ बेजोस को खरीद लेते। एनडीटीवी का दर्द देख लीजिए। If you tuned into TV today, you might be forgiven for wondering if India, at least on principle, continues to be governed by a secular constitution. A government function, the opening of a short corridor that connects two sacred sites in the city of Banaras in Uttar Pradesh, was turned into a mega religious event led by a constitutional authority, the Prime Minister, along with the entire cabinet of the BJP-run UP government, as they took a sacred dip, held prayers, and much more. और सूजी है? तो कमर बाहर करो ना फिर। और राहुल गांधी जी ने तो यार अपनी ही बहन की पीठ में छुरा मार दिया। गंगा में कोई भी स्नान कर दे वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। Wait a minute. यार ये तो मेरी मात है यार। प्रियंका गांधी भी सोच रही होंगी, छाती में चाकू मार, आगे से नहीं, पीछे से। और देखिए यार, आप भी सोच रहे होंगे कि भारत के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बनना इतने गर्व की बात है, इतने स्वाभिमान की बात है, उस समय पर ये लोग इतना नाराज क्यों हो रहे हैं, इनका इतना मेल्टडाउन क्यों हो रहा है, इनका इतना विधवा विलाप क्यों हो रहा है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, ये एक पुराने इंडिया में जी रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग बेसिकली विंडोज 11 के समय पर विंडोज 95 वाले लोग हैं, ये लोग आईफोन 13 के समय पर नोकिया 1100 वाले लोग हैं, ये लोग आउटडेटेड लोग हैं। इनके आंखों के सामने भारत चेंज हो रहा है,
बदल रहा है, लेकिन ये इसको देख नहीं पा रहे हैं और इसको समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, हर एक सक्सेसफुल देश अपने सिविलाइजेशन को समझता है, अपने सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, अपने सिविलाइजेशन का ग्रैंड नैरेटिव जानता है। वो ग्रैंड नैरेटिव, वो सिविलाइजेशन जो एक शेयर्ड विजन, शेयर्ड आइडेंटिटी और शेयर्ड सेंस ऑफ पर्पस प्रोवाइड करता है। इंडिया के लिए वो ग्रैंड नैरेटिव है उसका धर्म और उसका सिविलाइजेशन। देखिए, इंडिया हमेशा एक सिविलाइजेशनल स्टेट रहा है और कई सदियों की गुलामी के बाद फाइनली पिछले कुछ सालों में इंडिया फिर से अपने सिविलाइजेशन से जुड़ना शुरू कर रहा है। इंडियंस हमेशा से ये मानते आए हैं कि भारत उनकी पितृभूमि ही नहीं, उनकी पुण्य भूमि भी है, और अपनी पितृभूमि और अपनी पुण्य भूमि से कनेक्शन के बिना भारत के लोग अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं और अपना सेंस ऑफ पर्पस खो देते हैं। और राम मंदिर का बनना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बनना, ये एक कोशिश है भारत को और भारत के लोगों को अपने कल्चर से और अपने सिविलाइजेशन से दोबारा जोड़ना और अपने देश में और अपने दिल में फिर से वो प्राइड और वो सेंस ऑफ पर्पस डेवलप करना। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे मुस्लिम और हमारे क्रिश्चियन भाइयों को उनकी आइडेंटिटी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि देखिए, इंडियंस धर्म में विश्वास रखते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट में विश्वास रखते हैं, रेसिप्रोसिटी में विश्वास रखते हैं। लेकिन हमारे मुस्लिम और क्रिश्चियन भाइयों और बहनों को भी सोचना पड़ेगा कि भारत उनकी भी पितृभूमि है और भारत उनकी भी पुण्य भूमि है, और उनके जितने भी पूर्वज थे वो हिंदू थे, जो बाहरी घुसपैठियों के खिलाफ लड़े थे अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपने ट्रेडिशंस को बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने भगवानों को बचाने के लिए। भले ही आप आज उन भगवानों में विश्वास ना रखते हो, लेकिन आप अपने पूर्वजों में तो विश्वास रखते हैं ना, आप भारत को अपना पुण्य भूमि और पितृभूमि तो मानते हैं ना। तो अगर ऐसा है तो हमारे अतीत में जो नाइंसाफियां हुई हैं, उन नाइंसाफियों को जब तक हम सॉल्व नहीं करते हैं, फिक्स नहीं करते हैं, तब तक ये देश ठीक तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे देश में अच्छा फ्यूचर तभी आएगा जब अतीत की प्रॉब्लम्स को हम प्रॉपर्ली सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। और फाइनली मैं आपको इस मैसेज के साथ छोड़ना चाहता हूं कि कॉरिडोर तो बस झांकी है, काशी मथुरा सही मायने में अभी भी बाकी हैं, क्योंकि जब तक औरंगजेब का कलंक काशी विश्वनाथ मंदिर के पास से नहीं हटता, तब तक इस देश को, इस देश के कल्चर को, इस देश की सिविलाइजेशन को और इस देश के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक दीजिए, थम्स अप दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्रिप्शन कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। अगर आप शाम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं, और मैंने हाल में ही एक एपिसोड पब्लिश किया है जो सिर्फ पेट्रंस के पास मौजूद है या फिर यूट्यूब मेंबर्स के पास मौजूद है, जिसमें मैंने जस्टिस चंद्रचूड़ के अपॉइंटमेंट के बारे में बात की और किस तरह से हमारे जस्टिस साहब जो हैं वो वोक एक्टिविज्म कर रहे हैं, उसको डिस्कस करते हुए मैंने एक पॉडकास्ट पब्लिश किया है। अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो आज की आज ही यूट्यूब पर मेंबर बने या पेट्रियन पर मेंबर बने। बाकी मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको सक्रिय।